Hello, I am Sukhwinder Kaur, Assistant Professor, Department of Economics, G.G.D.S.D. College, Hariana, Hoshiarpur. I am going to discuss BA 6th SEM topic, Economic Planning and Salient Features of Planning. What is planning? Economic planning of a country is closely linked with economic development. Is closely linked with the economic development. What is economic planning? Planning consists of totality of arrangements decided upon as to carry out a project related to economic activity. Plan is definable by two elements: a project, that is an end which one purpose to achieve. Second, the arrangement decided upon in other so that the end may be achieved, which indicates the determination of means, which indicates the determination of means. Planning इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आज के टाइम में, मॉडर्न इरा में इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है. हर एक इकोनॉमी आज प्लानिंग के बेस पे काम करती है. हम भी अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें, हम एक इंस्टीट्यूशन की बात भी करें, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हम अपने डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स को, अपने सेट किए गए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, जैसी हवा आई तैसे चल दिए तो आगे की हवा आएगी, हम आगे जाएंगे, पीछे की आएगी तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी. हम अब कैसे सर्वाइव करें? हम पीछे आ जाएंगे, फिर से आगे जाएंगे, फिर से पीछे आ जाएंगे. बट हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी तो हम सोचेंगे कि अगर सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट भी हो जाती है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा सेट ऑब्जेक्टिव है, उससे अलग, उससे कुछ हटकर सिचुएशन भी बन जाती है, कोई उस पर नेक्स्ट इम्पैक्ट आने वाली सिचुएशन भी बन जाती है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो सेम इकोनॉमिक प्लानिंग जो की जाती है वो भी इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं. जो मेन ऑब्जेक्टिव्स वो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, टू रेडिकेट दी पॉवर्टी, टू इंक्रीज दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, ऐसे जो सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के स्पेशली, तो उन ऑब्जेक्टिव्स में नो डाउट हिंड्रेंसेस तो होगी, उन्हें अचीव करने के लिए सेंटर में प्रॉब्लम्स तो होंगी. हमारे ऑब्जेक्टिव और हमारे जो अल्टीमेटली हम अचीव करना चाहते हैं उसमें और उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स तो होंगी, बट उन्हें हम एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट हमने प्लानिंग नहीं की, हम उन रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो हमारे वो रिसोर्सेज जिनके साथ हम अचीव कर सकते थे हम अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स को, वो वेस्ट चले जाएंगे. वो हम मान लीजिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते और हम अपने सभी रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर में लगा देते हैं, मान लीजिए, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में लगा देते हैं. मान लो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की, मान लो और उसमें आउटपुट आ गई, तो अब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो हम एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में उसके उस एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को एज रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, देन वो आगे डेवलपमेंट के लिए आगे प्रोसेस में काम आएगी. बट अगर हमारे पास हमने सभी रिसोर्सेज एग्रीकल्चर में लगा दिए तो एग्रीकल्चर की आउटपुट अब हमारी वेस्ट चली जाएगी. तो हमें चाहिए था कि हम अपने रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में, सभी सेक्टर्स में डिवाइड करते, बट वो ऐसा सब प्लानिंग के थ्रू होता है. तो इकोनॉमिक प्लानिंग है जो इंडिया में, हमारे जो कंसेप्ट है, हमारा जो टॉपिक, हमारा जो पेपर है उसका नाम ही इंडियन इकोनॉमी है. तो हमारा जो भी टॉपिक है इस चैप्टर में, इस सिलेबस में, सिक्स सेम में, बीए के सिक्स सेम में, वो इंडिया रिलेटेड ही है. तो हम इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे. इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो अभी 1951 से
5 ईयर प्लान जो अडॉप्ट किया है, स्टार्ट किए हैं 1951 में, 1951-52 हमने लिखा है, इसमें हमारा फर्स्ट प्लान आया था वो 55-56 के लिए, 5 ईयर्स के लिए था। और जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950, और उसके बाद फिर हमारा 51 में फर्स्ट प्लान आया था, देन 5 ईयर के बाद हमारा एक नया प्लान 56 में, देन 61 में आया, और बीच में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा 5 ईयर प्लान जब नहीं हो पाता तो हम बीच में एनुअल प्लान, वन ईयरली ईयरली प्लान्स भी लेकर आए। तो हमारी जो डेवलपमेंट है 1951 से, जो हमारा हमारी जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो प्लानिंग के बेस पर ही चल रही है। हम 5 ईयर प्लानिंग करते हैं, अगर कभी कभार सिचुएशन हमारा फेवर ना करे, कोई प्रॉब्लम इकोनॉमी में चल रही हो, तो हम एनुअल प्लान्स भी लेकर आते हैं। और बट हम जहाँ पर ये डिस्कस करना कंपलसरी है कि ऑल दो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में आया, और हमारा जो फर्स्ट प्लान है 1951 में आया, बट इंडिया ने जो प्लानिंग की बात है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग की डिस्कशन है, वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। और 1934 में व्हेन मिस्टर विश्वेश्वरैया पब्लिश्ड हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तब से 1934 से जब बुक आई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तब से हमारी इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग की डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सेट की थी, बनाई थी। और तब भी इंडिया में बॉम्बे प्लान 1943 में आया था, उसमें भी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की गई थी। उसके बाद एक रिपोर्ट 1948 में आई, जिसे नेशनल प्लानिंग कमेटी ने सबमिट किया 1948 में, उसमें भी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात थी। मीन्स इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे यहाँ 1934 से डिस्कस होती रही है, 1943 में फिर से एक प्लान डिस्कशन हुई, 1948 में फिर से डिस्कशन हुई। तो उसके बाद हमारा जो प्लानिंग कमीशन है 1950 में एस्टेब्लिश हुआ, और 51 में हमारा जो फर्स्ट प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ, और उसके साथ हमने डेवलपमेंट है जो वो स्टार्ट की। हमारे यहाँ इंडिया में फीचर्स क्या हैं, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग तो हम करते हैं लेकिन प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारी प्लानिंग की इंडिया में। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस, जो डिस्कशन का पॉइंट है हमारे यहाँ, कि हमारी जो प्लानिंग है वो डेमोक्रेटिक है। इंडिया वर्ल्ड की एक हाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और जब 5 ईयर प्लान जो 1951 से स्टार्ट किया हमने, जब ये प्लान किए जाते हैं, ये प्लान फॉर्मुलेट किए जाते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी के व्यूज़ को प्रॉपर कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक अथॉरिटी है, जैसे आजकल नीति आयोग है, कि नीति आयोग है तो वो जो भी कह देगा वैसे ही प्लानिंग कर दी जाएगी। प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और इसमें सभी स्टेट्स की, सभी एक्सपर्ट्स की, सभी इंस्टीट्यूशंस की जो भी व्यूज़ होते हैं, सभी को कंसीडर किया जाता है प्लानिंग के टाइम। सेकंड जो हमारा फीचर है वो है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज अ काइंड ऑफ प्रकोलेशन ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज और प्रोसेस फ्रॉम द सेंटर टू सब स्टेट लेवल्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिविजन लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल। जहाँ तक विलेज लेवल तक, सेंटर टू विलेज लेवल तक जो प्लानिंग है उसे डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है। नेक्स्ट फीचर जो हमारी इकोनॉमी में, इंडियन प्लानिंग में पाया जाता है, वो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी प्लानिंग। प्लानिंग जो भी होती है हमारे यहाँ इज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, दैट इज
प्लानिंग कमीशन और नौ योजना कमीशन और विच प्लेज द रोल ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म सो एज टू प्रोवाइड नेसेसरी डायरेक्शंस एंड रेगुलेशंस ओवर द प्लानिंग सिस्टम. स्टेट्स में सेंटर्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी को भी सेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1952 में. तो ये पूरा एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, इसको कोई देख नहीं रहा, इसे पूरा एक पूरे सिस्टम के थ्रू इसे चेक किया जाता है. देन नेक्स्ट फीचर इज सेंटर एंड स्टेट प्लान. इंडिया में जब भी प्लान होता है तो उसमें सेंटर गवर्नमेंट अलग प्लान बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स का स्टेट प्लान होता है. सेंट्रल प्लान जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान होता है, इज़ दी अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और योजना आयोग एंड द सेंट्रल जो नीति आयोग एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो स्टेट का प्लान होता है वो एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो होता है. तो स्टेट का प्लान भी होता है, सेंटर का प्लान भी होता है. सेंटर का प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में उसके अंडर, और स्टेट के प्लान को स्टेट गवर्नमेंट जो कंसिडर करती है. बट स्टेट के प्लान्स को बहुत बार सो मैनी टाइम्स प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से जो है अप्रूवल लेनी पड़ती है. नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. किसी भी इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए, हमारे यहाँ जैसे मिक्स्ड इकॉनमी चल रही है, तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दोनों का मिक्सचर हमारे यहाँ चल रहा है तो दोनों के लिए, दोनों की प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट प्लेस होती है और दोनों के लिए जो प्लानिंग है वो की जाती है. ईच 5-year प्लान ऑफ द कंट्री पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज सेपरेटली फिक्स्ड. अलग अलग दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, दोनों के कार्य को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट किया जाता है. नेक्स्ट फीचर इज पीरियोडिक प्लान. हमारा जहाँ प्लान ऐसा नहीं होता कि अब स्टार्ट कर दिया कब खत्म होगा, हम पहले से होता है कि प्लान कितना होगा, 5-year का होगा, जहाँ एनुअल बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई है हमारी इकोनॉमी ने तो हमने एनुअल प्लान्स भी लाए हैं, तो वो एक पूरा पीरियोडिक प्लान है जो हमारे पास होता है. देन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग में जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, स्पेसिफिक सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें अचीव करना होता है. कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स तो ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो फिक्स हैं और उनके लिए काम किया ही जाता है. लाइक अटेनमेंट ऑफ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, अटेनिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स, रिड्रेसिंग द इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी, इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. ये ऐसे एक सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें अचीव करने के लिए जो प्लानिंग है वो की जाती है. उसके अलावा टाइम टू टाइम, जैसे स्टार्टिंग में हमारी फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम थी तो हम उसे अचीव करने के लिए भी एक स्पेशल प्लानिंग की गई. और जब 1991 में हमारे इकॉनमी में प्रॉब्लम्स आई तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स लाए गए. तो ये सब जो है जो टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव्स वो इसमें ऐड करते जाते हैं. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. जो नेक्स्ट फीचर हमारा जो प्लानिंग का है वो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक प्लानिंग में स्पेशल जो ध्यान दिया जाता है और जो वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग. और बैलेंस लाने के लिए स्पेशल बजटरी रिलीफ जो है वो बैकवर्ड रीजन्स को दी जाती है, टैक्स हॉलीडे की फॉर्म में, टैक्स रिलीफ की फॉर्म में. इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो स्पेशल इंसेंटिव्स हैं वो बैकवर्ड रीजन्स को दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव प्लानिंग ऑन बेसिक इशूज और प्रॉब्लम्स. हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लाइक प्रोडक्शन ऑफ फूड, पेट्रोलियम गुड्स, स्टील एक्स्ट्रा क्वाइट इम्पॉर्टेंट हैं और इनके लिए स्पेशल जो प्लानिंग में प्रोविज़न रखा जाता है. नेक्स्ट इज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन. प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी इंक्लूड्स वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच आर यूजली इन्वॉल्व फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान और मोर दीज इज एन
evaluation machinery which usually conduct pre-project evaluation and post-project evaluation of every planning project of the country. ऐसा नहीं है कि planning में जो भी रखा गया वो achieve हुआ या नहीं हुआ. पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, देन एंड में देखा जाता है कि हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया. अगर नहीं किया तो कहाँ पर वीकनेसेस थी, उन वीकनेसेस को लिखा जाता है, नोट किया जाता है और नेक्स्ट प्लान में उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है. थैंक यू.